पा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। सो गाइज अभी मेला में क्या हुआ है, हम लोग यहाँ रील्स में जो वीडियो बनाते हैं सप्तोशी वो हमको मिल गया है और उसका यूट्यूब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार दोस्तों, आज के न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी मैं कोचबिहार का जो रास मेला इसका पार्ट टू में ब्लॉग देने वाला हूं, क्योंकि पार्ट वन में मैंने डे का सीन दिखाया था रास मेला में कौन क्या क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो आप लोग नहीं देखा तो वो पार्ट वन में देखिए। जो अभी नाइट में मैं रास मेला को विजिट करने वाला हूँ, पूरा सीन दिखाई है। सबसे पहले मदन मोहन जो टेम्पल है वहाँ पर इंटर करेंगे, रास को घुमाएंगे और लास्ट डेट कब है काफ़ी लोगों का सवाल था, वो भी हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के जरिए। तो बने रहे इस ब्लॉग के साथ, चलिए शुरू करते हैं। सो हमारे मेरे साथ ये देखो, दिस इज द पहचाना होगा और ये एके टू ब्लॉगर। तो चैनल डिस्क्रिप्शन में, चैनल डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जल्दी जल्दी। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सोके सोके सोके। सो ये है मदन मोहन जो टेम्पल है, मंदिर है, यहाँ से इंटर करना है। तो यहाँ पे इंटर करने के लिए बॉयज एंड गर्ल्स का अलग अलग दिया है, तो वहाँ से हम लोग इंटर करेंगे। अभी ए टू जेड दिखाएंगे, यहाँ पे रास भी आप लोगों को घुमा के दिखाएंगे, तो मजा आएगा ना गाइस। चलो वहाँ से इंटर करते हैं, लाइन लगाना पड़ेगा, मैं भी देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेल फीमेल का अलग अलग इंटर करने का जगह है, जो कि मैंने डे वन में भी दिखाया था। हेले तो नाइट में देख सकता हूँ यहाँ पे क्राउड होने लगा है, डे में यहाँ पे पब्लिक ही नहीं था। यहाँ पे देखो नाइट का जो सीन है, मज़ा आने वाला है। गाइस फाइनली हम लोग मदन मोहन जो टेम्पल है, मंदिर है, उसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे देखो जो मेन जो रास चक्र है, जो रास चक्र, तो कहने में ये 7 टाइम अगर आप इसको घुमाते हैं तो आपका जो पाप है वो यहाँ पे धुल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 7 टाइम इसको घुमाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप लोग कोचबिहार में रास मेला घूमने के लिए आते हैं तो मदन मोहन जो टेम्पल है इसमें रास चक्र जो है आपको घुमाना है। अगर इसको आप इंटर नहीं करते हैं तो रास मेला जो घूमने का इनकम्प्लीट कहते हैं। तो चलिए आपको सीन दिखाते हैं। दिस इज द मदन मोहन टेम्पल, ये है मेन और रास जो चक्र है यहाँ पे है, जिसको आप लोग इंटर करते हैं मिल जाएंगे और वहाँ से आपको 7 टाइम ये जो रास चक्र है घुमाना है। तो यहाँ से घुमाने के बाद आप वहाँ से इंटर करो, देन यहाँ से आप लोग घुसेंगे तो ये जो मदन मोहन जो टेम्पल है, मंदिर है, वो आप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, विजिट कर सकते हैं, देन यहाँ से बाहर निकलना है। तो गाइस देख सकते हो हमारा गोविंद भैया पहले जा रहे हैं। क्या विश मांगा बता सकते हो?
पर्सनल कुछ गर्लफ्रेंड के लिए तो नहीं मंगा? अच्छा तो सही है सही है। सो फाइनली गाइस हम लोग मदन मोहन जो टेम्पल है पूरा ए टू जेड आप लोगों को दिखाया। अभी बाहर जाके हम लोगों को रास मेरा जो ग्राउंड है पूरा चक्कर लगाएंगे, दिखाएंगे, मजा आएगा। तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे बोलो? मंदिर का जो यहाँ जो पूजा होता है ना, हाँ, का बड़ा मेला होता है, हाँ, तो अभी हम लोग वहीं पे जाने वाला है। तो चलो रास मेला ग्राउंड में जाने वाले हम लोग, फिर यहाँ से भी जाना होगा। और सो गाइस अभी मेला में क्या हुआ है, हम लोग यहाँ पे क्या है, मेला में इंटर करते ही एक क्या है, हर जगह पे गली गली टर्निंग पॉइंट में क्या होता है, एक पुलिस सिक्योरिटी रहता है। तो वहाँ पे हम लोगों क्या है, कोचबिहार का जो फेमस एक रील्स में जो वीडियो बनाते हैं सप्तोषी, वो हमको मिल गया है। और उसका यूट्यूब चैनल भी है जो कि लगभग वही 180,000 के जैसे सब्सक्राइबर है, जो कि सप्तोषी ब्लॉग, तो आप लोग सब पहचानते होंगे। तो फाइनली उससे मुलाकात हुआ है। तो फिलहाल वो क्या है, ऑन ड्यूटी में है। तो भैया काफ़ी अच्छे से बात किया, बात बोल रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी सार लोग है तो आप ब्लॉग वगैरह मत बना, आप मेरे से फ़ोटो वगैरह लो। तो साइड में देख सकते हैं हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खींचा, बातचीत किया, बढ़िया तरीके से लोगों से बातचीत करता है, तो मिल के अच्छा लगा। तो आप लोग कौन कौन पहचानते कमेंट करके जरूर बताना। अभी हम लोग अभी हम लोग जाएंगे रास मेला के और, तो चलते हैं। फर्स्ट टाइम एक पॉजिटिव चीजें हम लोग को देखने को मिला और भी बढ़िया होगा। अभी हम लोग जा रहे जो रास मेला, चलिए। रास मेला जो ग्राउंड है इंटर कर चुके हैं दूसरा की तरफ। और टैटू, ये है टैटू डिस्काउंट, 250 रुपया में शू है। देखो अगर पसंद आता है तो बढ़िया है। यहाँ पे देखो ओनली 250 में एनीवन सिलेक्ट करो, क्या वो बढ़िया है? ये तो बूट का है, हाँ। सो मैंने यहाँ पे 250 रुपया का जो फिक्स रेट है वो शू ले लिया, दिखाया ये कितना नंबर है मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो देखते हैं आगे के और क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है मेला में। तो स्टार्टिंग टाइम में हम लोग आए हैं तो उतना पब्लिक तो क्रेज तो देखने को नहीं मिल रहा है, बाद में होगा। मैं भी विवेक भाई भी ब्लॉग बना रहे हैं, मैं भी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो ये भैया का दुकान है, कुछ बोलो भैया कहाँ क्या क्या मिलता है आपका दुकान में? अच्छा हाँ हाँ अच्छा हाँ। ये 22 दिन के लिए रास मेला शुरू हो गया जी, हाँ। थैंक यू। भैया का दुकान कहाँ कहाँ पे? बहुत सुंदर सा दुकान है। सो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं भैया का दुकान है, कितना फिक्स रेट है ये? 550 का। 550 का, बढ़िया थोड़ा सा दिखाते हैं। अच्छा दिखाइए यहाँ पे साइड में जो रखा है, भैया बोल रहे हैं कि 550 रुपये का फिक्स रेट है। ये देखिए थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, ये पकड़ो तो। अच्छा लग रहा है। फाइनली मैंने ये ले लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 550 रुपया में बढ़िया है। तो मैंने एक ले लिया है, आप लोग ले सकते हैं। असंभव असंभव।
चोर चोरेंगे हम मगर मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सो गाइस ये है बनारसी आन भंडार। तो लो भैया वीडियो कर वाओ कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा रे शूट करते हैं यार। आर यू एक्साइटेड? यस आर यू रेडी गाइस आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। और रे बनारसी पान। अरे कुछ नहीं होगा मस्त लाइक कैसा लग रहा है। अभी टाइम हो चुका है लगभग 11। तो आप सुनसान हो चुका है, हर जगह पे दुकान बंद होने लग रहे हैं। तो हम लोग भी अभी निकल जाएंगे। देखो हर जगह पे दुकान बंद हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग भी निकलते हैं। अभी किस तरफ निकलेंगे? A few moments later. So guys, finally, आप सभी को मैंने दिखा दिया यहाँ पे जो रास मेला का जो नाइट का सीन। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट जो है 27 नवंबर को लास्ट डेट है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि दो दिन या तीन दिन तो रास्ता बढ़ा सकता है। तो लास्ट डेट आप 27 मान सकते हैं। तो ये है, आई होप लोगों को पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ नॉर्थ बंगाल का जो सबसे बड़ा रास मेला कोचबिहार में होता है मैंने दिखा दिया। आई होप पसंद आएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल बाई का चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक आज के लिए इतना ही। बाय बाय।